कला विज्ञान संसद के 10वें दिन अर्थात सेकंड लास्ट डे समसामयिक की श्रृंखला का सेकंड लास्ट एपिसोड और 9वां एपिसोड है। और आज हमारे बीच हैं प्रतिभागी के रूप में कुमारी नैना। बहुत बहुत स्वागत है नैना। नैना सेकंड लास्ट है, इससे पीछे आप सुनते रहे हैं जी। कभी बॉक्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया जी, लेकिन उसमें आ नहीं पा रही। अच्छा चलिए, आज आप यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं, बैठी हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और सुनने में कैसा लग रहा था जब आप सुनती थी अलग से बैठ करके उससे सुनती थी, तो किस तरीके का लग रहा है? कभी इच्छा जाहिर की कि हम भी एक दिन वहाँ पे बैठेंगे? हाँ जी, वो तैयार हैं। समसामयिक की श्रृंखला के 9वां एपिसोड में हमने इसको 10 एपिसोड में करने का निर्णय लिया था, और इसके बाद मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताऊं कि इसके बाद इस कड़ी में हम जोड़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हम लोग हैं। 75वें वर्ष की 75 सौगात क्या क्या रही है, आजादी के 75 वर्षों की खास उपलब्धियां, इसके साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन अभी है एपिसोड 9वां में, आप हाथ डालें और अपने हिस्से का प्रश्न पत्र खींचें। देखिएगा, सब खींच मत दीजिएगा। अच्छा बैठिए। अच्छा अच्छा, चलिए तैयार हो गई हैं। पहला सवाल आपसे पूछें जी। चलिए बिहार से ही हम सफर की शुरुआत करते हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार में किस नदी पर किया जा रहा है? किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी महानंदा। ऑप्शन सी कोसी। कोसी पे बिहार की शोक भी कही जाती है, कोसी को बिहार के शोक, बिहार का शोक कहते हैं, उसी कोसी पे जिसने तबाही मचाई थी 2008 में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और शानदार सफर की शुरुआत आपकी हुई है 10 अंकों के साथ। अगला सवाल आपसे है, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड एक महान अर्थशास्त्री की चर्चित पुस्तक है, 2021 में लिखी गई, 2021 में इसका प्रकाशन हुआ होम इन द वर्ल्ड का। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, अर्जित पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और तीसरा सवाल आपसे है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरे बारा चिड़िया घर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? महाराष्ट्र सरकार ने गोरे बारा चिड़िया घर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी, बाला साहेब ठाकरे, इनमें से कोई नहीं। सी बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे हिंदू सम्राट के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, शिवसेना के फाउंडर रहे हैं बाला साहब ठाकरे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बाला साहब ठाकरे का काफी बेहतरीन छवि रही है महाराष्ट्र में, और उनके ही नाम पर वर्तमान सरकार ने गोरेवारा चिड़ियाघर का नाम बदल कर रखने का फैसला किया है। चौथा सवाल इस कड़ी में आपके लिए है, कौन सा राज्य हाल वर्ष 2021 में रेलवे के मानचित्र पर चित्रित हुआ, अर्थात उस राज्य से भी रेल की पटरी, रेल दौड़ना शुरू किया है? यहां आंसर सुनाएंगे, रेल की पटरी भी छाई गई और रेल दौड़ना शुरू किया है और रेल के मानचित्र पर अपना नाम दर्ज किया है। त्रिपुरा, गौरतलब हो 2021 की एक बात है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। सी मणिपुर। मणिपुर में, मणिपुर में दौड़ना शुरू किया है किसमें? आप सही उत्तर दिए हैं और मिलते हैं आपको 10 अंक। अगला सवाल आपसे है, भारत की
सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया वक्त है 2021 में। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़? दिल्ली। दिल्ली में। करेक्ट आंसर है दिल्ली। और अगला सवाल आपसे है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पंजाब। पंजाब द्वारा यह शुरू किया गया है। बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं। अगला सवाल आपसे है, 2021-22 के बजट में कितने पहले में तो 2021-22 के बजट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया, उसके अनुसार बजट के अनुसार आपको बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा निम्न में से किस जगह पर के लिए की गई है? जो जगह बताएंगे उनमें से किस जगह पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के खोलने की घोषणा की गई है? शिमला, श्रीनगर, लेह, अहमदाबाद। लेह। लेह पे वही बर्फ वाला। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और कोप 27, अभी हाल में हमने क्वेश्चन पूछा था कोप 26 वाला पीछे क्विज कॉन्टेस्ट में, लेकिन आज क्वेश्चन है कोप 27 22 में होगा, 2022 में होगा। अब जो चल ही रहा है कहाँ होगा, किस देश में आयोजित होगा? पर्यावरण पर होने वाला यह विशेष सम्मेलन कोप 27 किस देश में होगा? ऑप्शन ए मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन। मिस्र। मिस्र में होगा, करेक्ट आंसर है। और 10 अंक आपको मिलते हैं। और आपके लिए आपको बताना है, भारत 10,000 तक का नोट शायद अभी तक जारी नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा, और एक देश ऐसा है जिसने 10,00,000 का नोट जारी किया है, एक नोट होंगे 10,00,000 के। आपको बताना यह है कि 10,00,000 का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए कतर, बी में वेनेजुएला, सी में डेनमार्क, डी में सऊदी अरब। बी वेनेजुएला। अगला सवाल है, बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और अगला सवाल है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 शुरू किया गया? इसरो, नासा, जाक्सा और रोसोमोस। जाक्सा। जाक्सा के द्वारा, करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो फासला था उसे पूरा किया और 10 के 10 सही उत्तर दिया है। लेकिन अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के विषय खत्म हो जाते हैं और आपके लिए विकल्प खत्म हो जाएंगे। सवाल अगला है आपके लिए, पहला सवाल है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप का, किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन की शुरुआत जापान ने किया है? जापान ने किस देश के साथ सहयोग कर से भूरे कोयले का से हाइड्रोजन उत्पादन की शुरुआत की है? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर ट्रॉफी प्रदान किया गया? क्रिकेट में मिलने वाला एलन बॉर्डर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ही दिया जाता है, तो कौन से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जो तीसरी बार इस खिताब से पुरस्कृत हुए हैं? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ इज द राइट आंसर। और तीसरा सवाल आपसे है, विश्व खाद्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विश्व खाद्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर इज द राइट आंसर। और अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? अमेरिका। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई?
नोएडा में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, नोएडा में। और अगला सवाल आपसे है, बगैर देर किए हुए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के किस ध्वजवाहक ने हिस्सा लिया, यानी ध्वजवाहक ध्वज लेकर के समापन समारोह में कौन चल रहे थे भारत की ओर से? बजरंग पुनिया। इधर आइटम सवाल, अब तक 16 सवाल आपसे पूछे गए हैं जिसका आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2021 में T20 इंटरनेशनल में 2021 तक देखा जाए तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 2021 तक में हमने कहा है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं T20 में? साकिब उल हसन। इधर राइट आंसर वाला सवाल है आपसे, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनिंदा दत्ता। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम बनाने का फैसला भारत सरकार ने किया है जिसका नाम है SHADE, सेड, है ना? किस देश के साथ मिलकर भारत ने एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम SHADE सेड के निर्माण की बात की है? इज़राइल। इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे 20वां सवाल है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला? गोवा। सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 10 अंक और 200 अंक के शिखर पर आप पहुंच गए हैं। इससे अभी और भी सीढ़ी चढ़ना है, चढ़िएगा कि यहाँ से जाइएगा? चढ़ेंगे। तो आपको अब हमको जो वाक्य बोलेंगे इसमें से केवल आपको सत्य और असत्य की श्रेणी में इस वाक्य को डालना है। और अब इसके लिए पहला सवाल आपसे है, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा? आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा? नहीं। सहमत नहीं है आप? सही क्या है? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया जाएगा, सही या गलत? गलत। किसको सम्मानित किया जाना है? महात्मा गांधी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन जेनेवा शहर में किया जाएगा, सही या गलत? सही है। आप भी सही हैं। और अगला सवाल आपसे है, जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, सही या गलत? जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया, मुस्कुरा क्यों नहीं है? सही या गलत? गलत है। क्यों मुस्कुराई? जय शाह को चुना गया है लेकिन उपाध्यक्ष में नहीं, इसीलिए मुस्कुरा रही थी। तो किस में चुना गया? अध्यक्ष में चुना गया, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, एक है OPCW, के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू चुने गए हैं, सही है। आप भी सही हैं। और अगला सवाल आपसे, 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी हुआ है 2021 में, लेकिन जारी हुआ है 2020 के लिए में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पे टॉप पर रहा है, सही या गलत? गलत है। सही क्या है? महाराष्ट्र है। करेक्ट आंसर है आपका, महाराष्ट्र इस सूची में टॉप पर है। और अगला सवाल आपसे है, RCEP मुफ्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कतर है,
सही या गलत? गलत। गलत। सही क्या है? सिंगापुर। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे 28वां प्रश्न आपसे है, आपको बताना है भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट जनरल के रूप में चुना गया है, उनका नाम बीनिंग मैं बोल देता हूँ, किस महिला को चुना गया मैं बोलता हूँ, आपको बताना है सही है गलत है। वनिता गुप्ता को चुना गया है, सही या गलत? सही। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल आप में से है, DGPLIGP का 56वां सम्मेलन 2021 के नवंबर महीना में इलाहाबाद में हुआ। DGPLIGP का 56वां सम्मेलन 2021 के नवंबर माह में इलाहाबाद में हुआ। गलत है। गलत है। सही क्या है? लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ करेक्ट आंसर है। और आपको पूरे के पूरे 29 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। 2021 में एशियाई तिरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कराने वाला राष्ट्र पाकिस्तान है। नहीं मोरी डोला है? नहीं मतलब गलत गलत है तो सही ना, ना 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 वो भी गलत है। उस देश ने अपना गोल्डन जुबली समारोह भी मनाया है, बांग्लादेश। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बने रहे हमारे साथ, अगले दिन इस एपिसोड के बाद हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ाद भारत के 75 वर्षों की 75 सौगात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।